प्रयाग में संपन्न दिव्य कुंभ ने जहां देश और विदेश में इस बार अलग पहचान बनाई, वहीं पूरी तरह से इसे सुरक्षित संपन्न कराने के लिए सरकार ने हर कोशिश की और उसमें कामयाबी भी मिली। कुंभ को सुरक्षित संपन्न कराने में उत्तर प्रदेश पुलिस समेत सभी सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी मेहनत और लगन के साथ अपना योगदान दिया। पेश है एक रिपोर्ट। करोड़ों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए इस बार पुलिस पूरी तरह हाईटेक रही और नई नई तकनीकों के जरिए जहां श्रद्धालुओं को सुविधा मिली, वहीं वे सुरक्षित रूप से आस्था का स्नान कर सके। इस कुंभ को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर बहुत समीक्षा की गई और एक परिकल्पना की गई थी कि ये कुंभ भव्य कुंभ, सुरक्षित कुंभ और दिव्य कुंभ होगा। इस बार कुंभ डिजिटल होगा और डिजिटल कुंभ के लिए ICCC जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना वहां पे की गई, जो कि एक नया प्रयोग था और जो बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ। कारगर इस मायने में सिद्ध हुआ कि CCTV 1100 हमारे CCTV पूरे मिले एरिया और प्रयाग में लगे हुए थे, जिसके माध्यम से मिनट टू मिनट की रियल टाइम इन्फॉर्मेशन जिसको कहते हैं वो हमें मिल रही थी। तो ये कुल मिला के टेक्नोलॉजी और ह्यूमन एलिमेंट के मिश्रण से और एक जुडिशियस स्कीम बना करके, सिक्योरिटी स्कीम बना करके इंटीग्रेटेड होलिस्टिक तरीके से हम लोगों ने कुंभ को पूरा डील किया है। आतंकी हमलों की आशंका के बीच सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद रही। कुंभ के लिए हमारे पास इनपुट्स थे और कोई भी जब ऐसा आयोजन होता है जहां पे करोड़ों की संख्या में लोग आने होते हैं तो वो टेररिस्ट के निशाने पर हमेशा रहता है। हमारे पास कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स भी थे, कुछ नॉन स्पेसिफिक इनपुट्स भी थे। जो स्पेसिफिक इनपुट्स थे उस पर हमने एक्शन लिया और बाकी भारत सरकार की जो गुप्तचर एजेंसीज है उनके माध्यम से भी लिया। जो भी हमारे पास एक्शनेबल इनपुट थे उस पर कार्रवाई की। इस बार के कुंभ में पुलिस का एक और चेहरा देखने को मिला। इस बार जो सबसे बड़ा संतोष का विषय ये है कि पब्लिक जो आमतौर पर पुलिस की बुराई करती है, पुलिस के आचरण को विपरीत मानती है, अब की बार जितने लोग वहां गए वो पुलिस के आचरण से हतप्रभ थे। लोगों ने खुले कंठ से, मुक्त कंठ से पुलिस के आचरण की तारीफ की। ये कहा कि पुलिस कर्मी एक सेवा भावना से यहाँ आए थे, हमारी पूरी तरीके से सहायता की। पुरानी फिल्मों में कुंभ में बिछड़ने के किस्सों को भी इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस ने नकार दिया और यहाँ ऐसे कैंप बनाए गए जो नई टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से जुड़े हुए थे। पुरानी हिंदी फिल्मों में जो कुंभ के मेले में खोने की परिपाटी थी, उस संबंध में मुझे यही कहना है कि इस बार कुंभ में कोई भी नहीं खोया। हमारे 15 खोया पाया केंद्र थे और 15 खोया पाया केंद्र जो है डिजिटल थे, LED के माध्यम से, डिस्प्ले के माध्यम से और पुलिस के साथ जो वाइब्रेंट इंटरफेस था उसमें हम लोगों ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति अगर खोया हो तो उसको मिलवाया गया। जहां मुख्यमंत्री और सरकार के मंत्रियों ने कुंभ की सफलता में अहम योगदान निभाया, तो वहीं पुलिस की मुस्तैदी को जितना श्रेय दिया जाए वे कम है। लखनऊ से परवेज जैदी की रिपोर्ट।